नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। थाना प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ हिरासत में इटावा पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनपद महोबा के थाना कुलपहाड़ में तैनात भ्रष्ट थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह का पाप का घड़ा फूट गया है। कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, आज इन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इटावा सिविल लाइन थाने में इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। वर्तमान में आरोपी इंस्पेक्टर महोबा में कुलपहाड़ थाना प्रभारी के पद पर तैनात है। एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि इटावा पुलिस आरोपी इंस्पेक्टर को महोबा से इटावा ले गई है। पीड़ित के कोर्ट में कमलबंद बयान करा दिए गए हैं। विवेचक आज पीड़िता के बयानों का अवलोकन करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इटावा जिले के भरहे थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की ने मंगलवार को एसएसपी जयप्रकाश को तहरीर देकर बताया था कि कुछ दिनों पूर्व उसने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत भरहे थाने में की थी, तब पुलिस ने समझौता करा दिया था। इधर पूर्व थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह का तबादला चकईनगर थाने में हो गया। पीड़िता की ससुराल भी चकईनगर में ही है। पीड़िता ने बताया कि यहां पहुंचने पर आरोपी थाना प्रभारी ने जबरदस्ती उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया। उस पर थाने आने का दबाव बनाया गया। 28 जनवरी 2021 को वह थाने पहुंची तो इटावा कोर्ट में बयान देने के लिए चलने को कहा गया। उस दिन बयान न होने की बात कहकर आरोपी इंस्पेक्टर स्टेशन रोड स्थित एक होटल में उसे ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद अश्लील फोटो व मोबाइल से वीडियो बनाया। मामले की शिकायत करने पर पति को जेल भेजने की धमकी भी दी।